आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मल्टी हॉस्पिटल का शुभारंभ, अस्पताल में 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध। गन्ने की खेत में आग लगी, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप, पीड़ित ने किया मुआवजे की मांग। शराब माफियाओं और पुलिस के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान शराब तस्कर को लगी गोली। अपर कार्यपालक निदेशक पहुंचे स्वास्थ्य विभाग, सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। शराबी चालक ने सड़क किनारे लोगों को कुचला, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज सरोदहाया में मुख्य मार्ग पर सड़क की दुर्घटना में एक बाइक चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके आनन फानन में उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेतिया रेफर कर दिया। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। हमारा भाई मोतीलाल पासवान जो है ना, अपना लड़की को पहुंचाने ले जा रहे थे बरवा परसन, तो कुंडीपुर रास्ता में इधर से जा रहे थे, कुंडीपुर गांव में जहां दुकान है उधर से एक टेम्पो वाला दारू पी करके गाड़ी चकमकाते आकर उस बाइक को ठोकर मार दिया, इनको बहुत ज़्यादा चोट लग गया। अब यहां से नरकटिया से रेफर हो गया बेतिया, हम लोग ले जा रहे हैं, जरा उस टेम्पो वाला को आप लोग। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बाहर जाने से निजात मिलेगी, क्योंकि सभी बीमारियों का समुचित इलाज विशेष चिकित्सकों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं विशिष्ट अतिथि बगहा विधायक के साथ निवर्तमान नगर परिषद बगहा सभापति प्रतिनिधि अधिवक्ता फिरोज आलम ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वैसे भी अपने चंपारण के मिट्टी का लाल तिवारी जी ने एक नया शुरुआत किया है, यंग है, इनसे समाज में बहुत उम्मीद है, अच्छे ढंग से इलाज हो कि भगवान आप में जस दे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पुलिस कप्तान के निर्देश पर चलाए जा रहे एस ड्राइव के तहत मझौलिया थाना क्षेत्र के चौकटिया गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने चौकटिया वार्ड नंबर 17 के रहने वाले युवक के बेटे को गिरफ्तार कर मेडिकल जाँच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। डोरी डेथ का एक केस था यहाँ का 565-22, उसमें एक नामजद अभियुक्त थे जोगी शाह और जोगिंदर शाह, पिता स्वर्गीय कपिलदेव शाह जो जोकटिया के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के पररिया गांव के सरेहू में कई एकड़ खेत में आग लगने से लाखों की गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि इस मामले में स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। खेत में फागल देखा था, तो पूरा खेत में आग फैल गई बाटे,
करीब मैंने हमारा और बाकी किसान के मिल के पास गया 20 एकड़ के आसपास में आग लग गई बा, पूरा पूरा जर के खत्म हो गई बामेश चौरसिया धनजय महतो बथुआ रामधार यादव खबर बेतिया से है जहां शराब माफियाओं और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से एक शराब तस्कर की मौत हो गई है जबकि एक तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया। बता दें पुलिस ने शराब कारोबारियों के पास से शराब की बड़ी खेप को भी बरामद किया है जिसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बिहार के कैमूर जिले से है जहां के अपर कार्यपालक निदेशक ने कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया और उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत कर बताया कि स्वास्थ्य विभाग में जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो कवायद है कि पेशेंट फ्रेंडली एमिनिटी, जो रोगी आ रहे हैं उनके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं और जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कमियां हैं उस पे भी काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है प्रोसेस में कि हमारे जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, पैरामेडिक्स हैं, बाकी स्टाफ हैं, वहाँ पर जहाँ पर एचआर की कमी है एचआर को प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे और किसी तरह की जैसे आपने नहीं बताया जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर या इस सब तरह की चीज़ों की कमी है उनकी प्लानिंग की जाए। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां शराब के नशे में पिकअप चालक ने सड़क किनारे कई व्यक्तियों को रौंद दिया और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आनन फानन में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां जिले में पहली बार अग्निवीर अंतर्गत सेना बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं इसको लेकर मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में बिहार के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी सेना बहाली की प्रक्रिया में पहुंच रहे हैं। बता दें यह प्रक्रिया 2 नवंबर को शुरू हुई है जो 4 दिसंबर तक चलेगी। वहीं सेना बहाली प्रक्रिया को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है।
खबर नालंदा से है, जहां जिले के राजगीर स्थित मगध सम्राट जरासंध की महाराज के मंदिर में चंद्रवंशी समाज के सैकड़ों लोगों ने जरासंध जी महाराज के आदम कद प्रतिमा की पूजा अर्चना कर धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। वहीं इस दौरान बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भी मौजूद रहे और प्रतिमा का पूजा अर्चना कर फूल माला चढ़ाया। बता दें, इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सभी चंद्रवंशी लोग शामिल रहे। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और शोभा यात्रा भी साथ साथ मनाया जा रहा है। मैं आयोजक भाई भारती जी हम लोग को बुलाए, उनको, उनके संगठन के लोगों को, यहाँ आए हुए तमाम लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इनका जो सोच था, इनका जो किया गया कार्य है, वही स्थल पर इनका मूर्ति का अनावरण हुआ है। जरासंध जी महाराज का जन्म बड़ी धूमधाम से लोगों ने मनाया। आज बहुत धूमधाम से उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। मैं शुभकामना देता हूं आयोजक को, मैं शुभकामना देता हूं इसमें शामिल होने वाले लोगों को, और अपने जीवन में जरासंध जी के आदर्शों को, जरासंध जी के कार्यों को अपने जीवन में अपनाएं। लोग खड़े हैं राम जानकी मंदिर ब्रह्मस्थान में। मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ के लोगों ने मुझे कल रिपोर्ट किया कि सरकार की तरफ से एक यहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट सरकार की तरफ से ये गई है कि यहाँ पर नहीं पेड़ है, नहीं मंदिर है और ये ज़मीन खाली है। खबर नवादा से है, जहां जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के अकौना गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवती की मौत हो गई और बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। दो बार वो चकमा लगता दिया, पीछे से पीछे प्रशासन भी थे, उनको भी चकमा देते हुए हमें पीछे से ठोकते हुए चले गए। अब भाई साहब जब साइड में चल रहा था, यही मैटर था भैया, अकौना की घटना। कहाँ पर हुआ घटना ये? अकौना। अकौना? हाँ जी सर। कहाँ घर हुआ आपका? जी मेरा साड़ी घर हुआ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नवादा से है, जहां शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के गांव की एक बुजुर्ग महिला की नवादा में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को जमीनी विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए नवादा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें, मौत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।
ये मारने लिए शंकर सिंह और मुकेश सिंह और डब्लू सिंह मारने लिए आया था, तीनों मिल करके वे मार करके जहना तोड़ दिया। फिर थाना ले गए, थाना वाला बोले कि जा करके तू अपना रिकॉर्ड मैंने जा करके तू अपना हॉस्पिटल ले जाओ, उससे पूरा ले जाओ। ले गए वो रेफर कर दिए पावापुरी ले गए। अब मार कर पहले हूँ उसको मारने लिए थिरका रहा था, ये इतना बोला कि जब जल्द उन्हें मारेंगे ना जल्द सुधरेगा ना। सहरसा में श्री श्याम ज्योति का अखंड पाठ और भजन कीर्तन के साथ प्रभु के गुणगान के साथ ही श्री श्याम जन्मोत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें कोटा राजस्थान से गायक शामिल हुए और इस दौरान 101 महिलाओं ने उपस्थित होकर पाठ का आनंद लिया। बता दें इस दौरान भक्त मंडली के द्वारा नारा लगाते हुए हारे की सहारे की नारों से पूरा सहरसा शहर गूंज उठा। उन्हें मनाया श्री श्याम मंदिर में बड़ी दुर्गा स्थान में, जिसमें कलाकार कोटा से राजस्थान श्री श्याम सोलाना जी ने आकर के भजन की प्रस्तुति दी। और आज 5 नवंबर को श्री श्याम अखंड पाठ का आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसमें 101 महिला इस पाठ में भाग लिए हैं, हिस्सा लिए हैं और काफ़ी अच्छा ये आयोजन हुआ है। दिवसीय आयोजन हम लोग श्री खाटू श्याम मंडल की ओर से शुरू किए हैं। लगभग 15 सालों से हम लोग इस आयोजन को कर रहे हैं। कल बाबा का जन्मोत्सव था और हम लोगों ने धूमधाम से मनाया। इसमें कोटा से आए हुए श्याम सोलाना ने भजनों का भजन से जो है प्रस्तुति दी, जो सभी सदस्य एकदम ताज़ा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के पिटना गांव का है, जहां एक दुखी व लाचार माँ अपनी 14 वर्षीय बेटी की तलाश में दर दर भटक रही है। वहीं लाचार माँ का कहना है कि रिश्तेदारों ने हमारी बेटी को महज 21,000 रुपए में किसी को बेच दिया, जिसके बाद लाचार माँ ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से ना लेते हुए मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, तो महिला ने DIG कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामानी थी और अपनी मामानी ने बोला कि दूसरे को क्यों हम गाली ताली दिए, थोड़ा कि बगल गिर सब मेरी बेटी को भगा दिया। तो अपनी मामानी ने बोला कौन सी कि हमको क्यों गाली दे रही है, यही चचेरी भोजाई तुम्हारी भगाई है। सो उसी ने पहुँचाया है ले जाके, और रौशन नाम है, रौशन और गुलशन दोनों माँ बेटी। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के